हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की कि आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम। साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक स्टॉर्म की कि वो किस ओर बढ़ने वाला है और उसका प्रभाव राजस्थान पर किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो में सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मानसून सिस्टमों की। बात करें तो एक सर्कुलेशन देखा जाए तो गुजरात के पश्चिमी भागों में अरब सागर पर केंद्रित हैं। एक सर्कुलेशन मध्य भारत पर देखा जाए तो झांसी के आसपास केंद्रित हैं और साइक्लोनिक स्टॉर्म देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी और मध्य भागों पर वर्तमान में ये केंद्रित हैं। ये पिछले 24 घंटों में देखा जाए तो डीप डिप्रेशन, डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन से साइक्लोनिक स्टॉर्म सुबह 5:30 बजे के बाद देखा जाए तो ये वर्तमान में इसकी स्थिति साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती तूफान के रूप में है। और आने वाले समय में देखा जाए तो इसका ट्रैक आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय सीमाओं से करीब होते हुए ये कुछ समय के लिए पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता हुआ और उसके बाद रिकवर करते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। तेलंगाना के आसपास जाने के बाद इसकी उत्तर पूर्व कमजोर होते हुए एक डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया के रूप में तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान गुजरात की सीमा से होते हुए देखा जाए तो पाकिस्तान से अरब सागर की ओर बढ़ने की संभावना है। अरब सागर में पहुँचने के बाद ये एक मजबूत लो प्रेशर एरिया डीप डिप्रेशन भी बनने की संभावना है और उसके बाद जल देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने की संभावना है। हो सकता है वो भी एक साइक्लोन भी बन सकता है जिसका प्रभाव देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के आसपास आपको 29 और 30 सितंबर को देखने को मिल सकता है। वर्तमान में मानसून ट्रफ की स्थिति देखा जाए तो जैसलमेर, फलोदी, भोपालगढ़, अजमेर, टोंक, शिवपुरी से झांसी के आसपास बने सर्कुलेशन से जबलपुर, अमरकंटक, भुवनेश्वर से बंगाल की खाड़ी तक बने लो साइक्लोनिक स्टॉर्म तक बनी है। वर्तमान में देखा जाए तो ये ट्रफ की स्थिति है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की बात करें तो वर्तमान में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है और आज दोपहर तक ये देखा जाए तो मजबूत होते हुए एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। वर्तमान में देखा जाए तो साइक्लोनिक स्टॉर्म है परंतु दोपहर तक ये मजबूत हो सकता है। 26 सितंबर की रात को ये उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटों को टकराने की संभावना है। इसके प्रभाव से देखा जाए तो संपूर्ण भारत में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना है जिसके प्रभाव से मध्य भारत में भारी बारिश की दुनिया देखा जाए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान तक आपको इसकी प्रभाव से देखने को मिल सकती है। राजस्थान पर देखा जाए तो इसका प्रभाव 29 और 30 सितंबर को आपको देखने को मिल सकता है जिसके प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी राज्य में राजस्थान में कहीं कहीं आपको भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। आइए आगे बात करते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो गुलाब साइक्लोन, गुलाब नाम वर्तमान देखा जाए तो पाकिस्तान द्वारा रखा गया इसका नाम गुलाब है और वर्तमान में ये मध्य बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं जिसमें हरे कलर का घेरा दिखाया गया है, जहां से लगाकर हरा कलर बताया गया वहां तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म रहने की संभावना है। बाद में ये कमजोर होते हुए एक लो प्रेशर एरिया के रूप में तेलंगाना के आसपास पहुंचने की संभावना है। आइए आगे बात करते हैं सुबह 6:30 से 7 बजे के अनुसार देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज है। सैटेलाइट इमेज की बात करें तो आप देख सकते हैं लो प्रेशर साइक्लोन स्टॉर्म के आसपास संपूर्ण क्षेत्र में काफ़ी घने बादल बने हुए और इन्हीं क्षेत्रों में कहीं कहीं आपको भारी बारिश की गतिविधियाँ वर्तमान में देखने को मिल रही हैं। सर्कुलेशन की बात करें तो वर्तमान में ये झांसी के आसपास बना हुआ है और इसी के प्रभाव से उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में वर्तमान में देख सकते हैं काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और इन क्षेत्रों में आपको तेज या भारी बारिश की दुनिया देखने को मिल सकती हैं। सर्कुलेशन की बात करें तो ये वर्तमान में झांसी के आसपास केंद्रित है और धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों में सिस्टम मौजूद होने के कारण इसको ज़्यादा नमी न मिल रही है जिस कारण से ये कमजोर हो सकता है। इसके प्रभाव से देखा जाए तो कोटा व उदयपुर संभाग में आने वाले 24 घंटों के अंदर कहीं कहीं आपको तेज या मूसलाधार बारिश की दुनिया देखने को मिल सकती है और बाद में ये सर्कुलेशन देखा जाए तो कमजोर हो जाएगा। राजस्थान पर देखा जाए तो उदयपुर के आसपास वर्तमान में कई बादल बने हुए, बाकी संपूर्ण राजस्थान में देखा जाए तो मौसम मुख्यतः शुष्क है। आइए आगे बात करते हैं IMD के GFS मॉडल के अनुसार देखा जाए तो आज संपूर्ण भारत में राजस्थान सहित किस प्रकार का मौसम रहने वाला है।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के आज संपूर्ण पश्चिमी भाग देखा जाए, उत्तर पश्चिमी भाग में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव आज मौसम को देखने को मिलेगा। हो सकता है बाड़मेर के कुछ इलाकों में इंची क्षेत्रों में आज कहीं की बारिश की दुनिया आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी जगह शुरू के आसपास इंची क्षेत्रों में कहीं कहीं आपको बारिश की दुनिया देखने को मिल सकती हैं। बाकी संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो गंगानगर बीकानेर जैसलमेर तक आज मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। हो सकता है एकाध इलाकों में आपको खंड बारिश की दुनिया देखने को मिल सकती हैं। बाकी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लगभग दक्षिणी पूर्वी और पूर्वोत्तर राजस्थान में इन संपूर्ण क्षेत्र में आज को आपको तेज या मूसलाधार बारिश की दुनिया के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की दुनिया आपको दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर संभाग में आपको देखने को मिल सकती हैं। आइए आगे बात करते हैं आज बारिश वाला कौन सा जोन रहने वाला है। बारिश की दुनिया की बात करें तो आज बाड़मेर जालौर सिरोही पाली राजसमंद भीलवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा बूंदी कोटा बारा झालावाड़ इन संपूर्ण क्षेत्रों में देखा जाए तो आज बारिश की दुनिया आपको कहीं कहीं तेज या मूसलाधार के साथ कहीं कहीं खंड बारिश की दुनिया देखने को मिल सकती है। नागौर सीकर झुंझुनू अलवर जयपुर दौसा सवाई माधोपुर करौली धौलपुर भरतपुर के इलाकों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आपको कहीं कहीं खंड बारिश की दुनिया देखने को मिल सकती है। भरतपुर के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आज आपको कहीं कहीं तेज या मूसलाधार बारिश की दुनिया जरूर देखने को मिल सकती है। बाकी देखा जाए तो नागौर सीकर झुंझुनू जयपुर के आसपास आपको कहीं कहीं खंड बारिश के साथ मौसम मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में शुष्क देखने को मिल सकता है। हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर के इलाकों में देखा जाए जैसलमेर के इलाकों में देखा जाए तो इन संपूर्ण क्षेत्रों में आज मौसम मुख्यतः आपको शुष्क देखने को मिलेगा। आइए आगे बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है, जिसमें देखा जाए तो आज उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के इलाकों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आज आपको कहीं कहीं भारी बारिश की दुनिया के साथ कहीं कहीं तेज या मूसलाधार बारिश की दुनिया देखने को मिल सकती हैं। जालौर सिरोही पाली के और बाड़मेर के कुछ इलाकों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आज आपको कहीं कहीं खंड बारिश के साथ कहीं कहीं तेज या मूसलाधार बारिश की दुनिया देखने को मिल सकती हैं। आइए आगे देखते हैं जैसलमेर जोधपुर बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आज किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। जोधपुर बीकानेर की बात करें तो इन क्षेत्रों में आज मुख्यतः शुष्क रह सकता है। नागौर सीकर झुंझुनू चूरू अलवर के क्षेत्रों में आज आपको कहीं कहीं खंड बारिश की दुनिया देखने को मिल सकती है। बाकी देखा जाए कोटा संभाग में भी आज कहीं कहीं तेज या मूसलाधार बारिश की दुनिया देखने को मिलेगी। 30 सितंबर के आसपास देखा जाए तो साइक्लोनिक स्टॉर्म वर्तमान में देखा जाए गुलाब से लोपर से रीजा बनते हुए उसका प्रभाव देखा जाए तो कोटा उदयपुर अजमेर जोधपुर तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका ट्रैक है तो राजस्थान और गुजरात की सीमा से सटे हुए इलाकों से होते हुए गुजरने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के मध्य भागों तक आपको कहीं की तेज या मूसलाधार बारिश की दुनिया जरूर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।